بسم الله الرحمن الرحيم. सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाथ की लकीर से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग ये अकीदा रखते हैं कि हाथ की लकीर ही इंसान की कामयाबी का असर राज है। अगर आप लोग इन बातों से मुतमईन हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हाथ की लकीर इंसान को हर मकसद में क्या कामयाबी देती है या नहीं, क्योंकि कामयाबी हासिल करने का ज़रिया रब्बे इलाही का करिश्मा है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हम मुसलमान होने के नाते इन बातों पर यकीन नहीं रखते, चनाचा कुछ लोग इन बातों को बहुत नुक्ताचीनी से देखते हैं। चनाचा हाथों को मिलाकर चेक करना और इसको मिलाना और आपस में देखना कि बे बन रही है या नहीं, किस्मत जैसी चीज़ों के बारे में बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि अगर कोई चीज़ आपके मकसद मुकद्दर में नहीं होती तो वो कभी हासिल नहीं कर सकते। चनाचा अगर आपकी किस्मत में हुई तो रब उन चीज़ों को ज़रूर नवाजेगा। चनाचा इस चीज़ों के बारे में वहम गुमान करना छोड़ दीजिए। आप हर वक्त हर दिन अपने रब से नमाज पढ़ के दुआ कीजिए कि ऐ रब हमें इन चीज़ों से दूर फरमा। चनाचा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ऐ इंसान, बेशक तू मेरी इबादत के लिए पैदा किया गया है और हर इंसान को चाहिए कि उस रब की इबादत करे। रब उसको उन चीज़ों से नवाज देगा कि जिस इंसान की उसको ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि मैं हर मकसद में कामयाबी हासिल करूं, तो उसको चाहिए कि हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें। अगर वो हुजूर की ज़िंदगी पर अमल करेगा तो इससे उसकी ज़िंदगी के तमाम जितने भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे। चनाचा इस वीडियो में हम आपको बताया है कि हाथ की लकीर के क्या फ़वाद हैं। फ़वाद यही हो सकते हैं कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की इबादत करे और अपने रब के ही फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। दुआ है कि अगर आपको वीडियो पसंद, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीनों दुनिया में कामयाबी अता फरमाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि कोई नई वीडियोज़ आपको पास अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।